हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीच एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी तरह की हेल्पफुल एंड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में है? हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा में। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? हमारी ऑप्शन है 2 हड्डियां, 3 हड्डियां, 7 हड्डियां या 9 हड्डियां। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 3 हड्डियां। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति का आधार कार्ड बना था? हमारी ऑप्शन है किरण बेदी, रावी मल्होत्रा, रंजना सोनावने या इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, रंजना सोनावने का। क्वेश्चन नंबर फोर, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग बिजली पैदा करता है? हमारी ऑप्शन है आँख, कोहनी, किडनी या दिमाग। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, दिमाग। क्वेश्चन नंबर फाइव, किस देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? हमारी ऑप्शन है इजराइल, भूटान, नॉर्वे या फ्रांस। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, नॉर्वे में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? हमारी ऑप्शन है 500 हड्डियां, 100 हड्डियां, 200 हड्डियां या 300 हड्डियां। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, 300 हड्डियां। क्वेश्चन नंबर सेवन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 28 जनवरी, 28 फरवरी, 28 मार्च या 28 अप्रैल को। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर एट, पेटीएम के वर्तमान सीईओ कौन है? हमारे ऑप्शन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुरेंद्र चावला, रवि कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, सुरेंद्र चावला। क्वेश्चन नंबर नाइन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हमारी ऑप्शन है एरिस्टोटेलेस, हेरोडोटस, हिपिकर्स या हिकेट्स। तो आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब है इसका ऑप्शन है एरिस्टोटेलेस। क्वेश्चन नंबर टेन, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे ऑप्शन है 5 ग्रह, 7 ग्रह, 8 ग्रह या 9 ग्रह। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, 8 ग्रह। बस आज के लिए इतना ही साथियों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।